हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं। जो मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना है आपको। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 2 होते हैं। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में क्लिक करें, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तुरंत क्लिक करके बताना है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के जनक हैं। अब बताना है कि प्रकृतिवाद के जनक कौन है, प्लेटो, जॉन डीवी, अरस्तु या फिर रूसो। तो यहां पे किस ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा प्रकृतिवाद के जनक। तो प्रकृतिवाद के जनक बात कर ली जाए तो रूसो के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र संबंधित है, ये किससे रिलेट करता है। अपनी स्कोरिंग अवश्य करते जाइएगा। शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र यथार्थवादिता, मानवतावाद, व्यवहारिकतावाद या फिर आदर्शवाद, कौन सा ऑप्शन रिलेट करेगा। 3 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर चला जाएगा आपका कौन सा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। जी हां, यहां पे सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, व्यवहारिकतावाद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। महान ग्रंथ इलियाड एवं ओडिसी के रचयिता थे, प्लूटो, अरस्तु, होमर और डी ऑप्शन में डिस्क्रेटस दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बी सी डी, डी ऑप्शन में डिस्क्रेटस है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। प्लूटो के साथ रिलेट करेगा, अरस्तु के साथ या फिर होमर के साथ, बहुत जबरदस्त, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना, 500 रुपीज का सिर्फ पेमेंट करना, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट सेंड करिए। आप जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे और साथ में हमारे पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, धारणात्मक सीख उद्दीपन जो कि अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता में वृद्धि है, कि किसने परिभाषा दी है। यह परिभाषा बता देना है किसके द्वारा दी गई है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि परिभाषा और कथन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पावला, वॉटसन, क्रो एंड क्रो, गिब्सन, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां पे किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, गिब्सन हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, प्रदर्शिता बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या शामिल नहीं है, ये बता दीजिएगा। यहां पे क्या शामिल नहीं पूछ लिया गया, नहीं दिखा लिखा हुआ है, ऑटोजेनिक प्रशिक्षण, मानसिक अभ्यास, स्वयं वार्ता या फिर प्रतिबिंबित, क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर। स्कोरिंग अवश्य करते जाएगा, स्कोरिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मानसिक अभ्यास के साथ रिलेट करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे उन सभी वीडियोस का लिंक प्लेलिस्ट में दिया, वहां से आप लोग देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आपको सारी वीडियोस एक साथ में देखने के लिए मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी दी गई थी, ये किसके द्वारा थ्योरी दी गई है, पावलोव, गैस्टाल्ट, थॉर्नडाइक या फिर न्यूटन महोदय ने दी है।
कंडीशनिंग और रिफ्लेक्सिव थ्योरी, राइट आंसर पावलोव के साथ रिलेट करेगा। इसके पहले के वीडियो जिसने भी देखे वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, रिपीटेड आंसर हो जाएगा, यहां पे ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, 8 नंबर का क्वेश्चन, और आपका जो नोटिफिकेशन रद्द हुआ तो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा नोटिफिकेशन आप लोग का आने वाला। जिसने भी तैयारी को ब्रेक किया था वो लोग तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय नहीं बचेगा, क्योंकि आयोग के द्वारा यह एग्जाम करा लिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका चुनाव होना है, इसके मद्देनजर आपका यह एग्जाम अवश्य हो जाएगा। इसलिए जो लोग ये मान के चलने कि फॉर्म आ जाए, फॉर्म फिल कर दें, एग्जाम की डेट आ जाए तब तैयारी करना शुरू करते हैं, तो वो लोग गलत सोच रहे हैं। अपनी तैयारी को अभी से करिएगा। फॉर्म कब आता है वो आपको जैसे ही आएगा सूचना मिल जाएगी। एग्जाम कब होना है वो आयोग पर डिपेंड करता है, तो आपको तैयारी करके आपको जॉब लेनी है, आयोग को जॉब नहीं लेनी है, क्योंकि आयोग ऑलरेडी आप लोग को जॉब प्रोवाइड कराता है, बस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आपको तैयारी करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, तो इसलिए एग्जाम की डेट का वेट ना करते हुए आप लोग तैयारी में जुट जाइएगा, तैयारी करते रहिएगा, मेहनत से तैयारी करिएगा, आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर या परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। वीजे क्रिटिक, मैकडूगल, डेजी डेराटो, हाउसन तथा जैक्सन या क्रुक्स और स्टेन। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? क्रुक्स और स्टेन हो जाएगा क्या राइट आंसर, या फिर मैकडूगल हो जाएंगे? तो यहां पे जो राइट आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, डी उत्तर सही हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, इसी तरीके से आपको तैयारी करना, क्योंकि कंपटीशन में जीतता वही जो लास्ट तक डटा रहता है और लास्ट तक अच्छे से पढ़ाई करता, अच्छे से रिवीजन करता, उसी की विजय होती, वही सिलेक्शन पाता है। तो एनारोबिक एथलीट की तुलना में एरोबिक एथलीट का दिल कैसा होता है? बाई निलय का भरा हुआ कैविटी आकार, बाई निलय के हृदय की मांसपेशियों का बढ़ा हुआ हाइपरट्रॉफी, संपूर्ण दिल का बढ़ा हुआ मायोकार्डियल मोटाई, अलिंद की बाहरी परत की अत्यधिक मोटाई। 9 नंबर राइट आंसर आपका आना चाहिए, बहुत जबरदस्त। ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत जबरदस्त। ए ऑप्शन सही आ रहा है आप लोग का, राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ में रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। शॉट पुट में उच्चतम गति निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक, शरीर का वजन, कुल शारीरिक बल, स्थायी ऊंचाई, या फिर शारीरिक मात्रा, कौन सा ऑप्शन आखिरकार राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, ए ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, जी नहीं, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, कुल शारीरिक बल के साथ रिलेट करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन। एंजाइना पेक्टोरिस रोग में वक्ष प्रदेश में दर्द होता जो संबंधित है, यह किससे रिलेट करेगा? यहां पे आप 3 ऑप्शन से ही आंसर क्लिक करके बता दीजिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया, जो टीजीटी का एग्जाम होता है, आपका पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपी में जो एग्जाम होता है, राजस्थान पीटीआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ। तो राइट आंसर 11 नंबर का क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, आप लोग देखिए अगर राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है इसका। 3 ऑप्शन सही आपको क्लिक करना है, और जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, या फिर पेटीएम के द्वारा अकाउंट पे भी कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट सेंड करिए, या फिर किसी दूसरे के द्वारा आप लोग पेमेंट कराकर स्क्रीन शॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आपका स्क्रीन शॉट आएगा आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे, साथ में हमारे पेड ग्रुप से भी आपको एड कर दिया जाएगा। पेड ग्रुप में आपको मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, और जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे उसके बाद भी आपको तुरंत नोट्स मिलेंगे, वो क्वेश्चन होंगे आपके 10,000 क्वेश्चन। तो यहां पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपने क्लिक किया होगा, कौन सा ऑप्शन रिलेट करेगा? बी ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर, या सी ऑप्शन रिलेट करेगा, या ए हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कॉर्नरी रक्त प्रवाह की कमी से हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया 12 नंबर का। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? 28 जून, राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रोग के लिए मोटापा प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होता है? मधुमेह, हाइपरलिपोडेमिया, कैंसर, या इनमें से कोई नहीं? 13 नंबर सही जबरदस्त क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका आना चाहिए, सही होना चाहिए उत्तर, गलत नहीं होना चाहिए। यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का?
जी हाँ, सी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाए। जिसने भी सी ऑप्शन क्लिक कर दिया उसके चार नंबर कंफर्म हो जाते हैं और एग्जाम में आपके 125 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन कैरी करेगा आपके चार नंबर को और टोटल जो पूर्णांक बनेगा 500 नंबर का पूर्णांक बनेगा। इन 500 नंबर में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स लेके आने हैं और यहां पे आपको 125 में से ज्यादा क्वेश्चंस राइट करने हैं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि और आने वाला आपका एलटी ग्रेड जो होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके पहले भी नेगेटिव मार्किंग एक बार हो चुकी है और वहां पे आपको 40% लाना भी जरूरी होगा, इसलिए यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो इसलिए आपका प्लस पॉइंट है और साथ में इंटरव्यू भी नहीं है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करके एक सीट अपनी कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी आराम से कर सकते हैं। 14 नंबर, नेत्र शोथ बीमारी किससे संबंधित है? फेफड़ा से संबंधित है, आंख से संबंधित है, प्लीहा से संबंधित है या फिर श्वास नली से रिलेट करता है? यहां पे डी ऑप्शन में आपका श्वास नली भी दिया हुआ है। राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करें? क्वेश्चन नंबर 14। ए बी सी डी, 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंख के साथ रिलेट करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे इसी तरीके से आपको तैयारी करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रंथ की वाहिनी स्टैंसन की वाहिनी कहलाती है? ए बी सी डी क्लिक करिए, कौन सा राइट आंसर होगा। यहां पे ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको रिपीट कराया जा रहा है, ये क्वेश्चन इसके पहले के वीडियोस में मिल चुका है आपको। कर्णमूल ग्रंथ के साथ रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, अब बताइए शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है या फिर थायराइड ग्रंथि है? फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो, इस तरीके का क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये हो ही नहीं सकता। आपका विभिन्न स्टेट्स में टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत ही सरल माना जाता है और ये पूछा भी जाता है क्योंकि जल्दबाजी में बहुत से लोगों का गलत भी हो जाता है। बी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। पैनक्रियास स्रावित करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंसुलिन, पेप्सिन, एडिनल या फिर टाइलिन? 17 नंबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर बताइए, तुरंत बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन के साथ रिलेट कर जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसको भी नोट्स प्राप्त करना, इसी नंबर पर पेमेंट करके 500 रुपीज का फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, आपके पेटीएम के द्वारा स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पेड ग्रुप से भी ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे पहचाने जो कि निर्णयन के क्लासिक मॉडल के चरणों में सम्मिलित नहीं है। विचार उत्पत्ति, समस्या उत्पत्ति, सी ऑप्शन में कार्यवाही निर्धारण होना चाहिए और नेक्स्ट आपका होना चाहिए था यहां पे डी ऑप्शन में योजना बनाना। तो यहां राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा? 18 में ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, समस्या उत्पत्ति के साथ में रिलेट कर जाएगा। यहां पे समस्या उत्पत्ति बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, आप लोग बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं? जैसी आप परीक्षण के सेटल दौर परीक्षण में लेन की चौड़ाई होती है 3, 4, 5 या फिर 6 फुट, 19 नंबर राइट आंसर तुरंत आना चाहिए, बहुत अच्छे, किसी कभी गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, 6 फुट के साथ में रिलेट कर जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? ये किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? हठ योग, राजयोग, कर्मयोग या फिर भक्ति योग? तो आसन जो आता है हठ योग के अंतर्गत आ जाएगा, राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप लोग स्कोर करके अवश्य बता दीजिएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, और जिसको भी नोट्स प्राप्त करना है कॉन्टेक्ट करके नोट्स भी प्राप्त कर सकता है, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे या फिर पेटीएम के द्वारा इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है और इसी नंबर के द्वारा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड वन लाइनर्स में होंगे, पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स आपको तुरंत अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और नया वीडियो मिलता है कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और अपनी एक सीट कंफर्म करने के लिए इतनी मेहनत आप लोग कर दीजिएगा कि इस बार का टीजीटी
पार हो जाए और आप सरकारी स्कूल में सरकारी मास्टर की जो एक पोस्ट होती उस पोस्ट को प्राप्त कर सके, इतनी मेहनत आपको करनी है। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।